हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। तो तन्मय भट्ट के यूट्यूब चैनल पर अभी एक मीम रिएक्शन वीडियो आई हुई है जिसमें कि वहां पर योयो हनी सिंह से रिलेटेड भी एक क्लिप आती है, तो उस पर वो क्या बोलते हैं आप खुद देख सकते हो। अभिषेक जी, लोग कहते हैं हनी सिंह नशों में गाने बनाता है, ऐसे गाने बनाता है, वैसे गाने बनाता है। इसमें मैंने बोला आजकल घर है, पैसा है, गाड़ी, आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की भी खा। एंटी डाउरी सॉन्ग वर्ल्ड में मैंने बनाया है। दहेज लेना गलत बात है, वो साला मरती नहीं है जो दहेज ले रहा। रिफॉर्मर ऑफ वुमेन्स राइट्स हनी राम मोहन रॉय। यस हनीबा फुले, वेल नोन इन इंडिया Always. With his partner Alfaz Chandra Vidyasagar. किसी ने बोला है this is a dowry song for those who only have दो जोड़े। Blue Eyes was about 1984 by George Orwell. साथ ही मैं आपको बता दूं कि बादशाह का जो मोस्ट व्यूड सॉन्ग है गेंदा फूल, उसके लाइक्स को जो योयो हनी सिंह का क्लस्टर ट्रैक है उसने क्रॉस कर लिया है। आप देख सकते हो बादशाह के ट्रैक पर 6.6 मिलियन लाइक्स हैं और अभी जो योयो हनी सिंह का सॉन्ग रिलीज हुआ है उस पर 7.3 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं। साथ ही अभी भी 25 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार और डान नली वाला का जो कोलैब ट्रैक है छोरा बाबा का वो रिलीज हो चुका है। अगर आपने नहीं सुना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने सुन लिया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये ट्रैक आपको कैसा लगा। साथ ही इसका म्यूजिक वीडियो हमको आज 11 बजे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही जो डायरेक्टर ग्रिम है उनका भी एक पॉडकास्ट आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने बात की हुई थी, जो उन्होंने रफ्तार के लिए, कृष्णा के लिए म्यूजिक वीडियोस करी हैं उनके बारे में। एक चीज है, लोगों को ना लगता है कि ना प्लान था भाई, आई वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये प्लान नहीं था, शेक लिए टाइम। शेक लिए टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे पास गाना आया, परसों शूट करना है, ठीक है, हेलीकॉप्टर चाहिए, अरेंज कर। तो गाना आ रहा है घंटे भाई, मेरे रूम पे खड़े हुए, मैं कहा भैंस क्यों, हेलीकॉप्टर कहाँ से होगा, क्या नहीं होगा भाई। उसी दिन शाम को मैं प्रोडक्शन वाले को मिला, ठीक है, उसको मैंने बोला मेरे को ये ऐसे ऐसे मेरे को ये सब चाहिए भाई। अगले दिन देखी उस दिन शाम को लोकेशन लगा, उससे अगले दिन शूट। शेख चिल्ली सिर्फ और सिर्फ 27 क्लिप्स है, सिर्फ 27 क्लिप्स है शेख चिल्ली। फटाफट शूट हुआ था, फिर वो एडिट करा, अगले दिन ओवरनाइट एडिट करा था। अगले दिन सुबह को आई गेस 7 बजे के आसपास रफी सबने रिलीज करा, गुड नाइट बोला अपने अपने घर गए। तो इस फुल पॉडकास्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि एमसी स्टैन मिले एमएस धोनी से। तो एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसको उन्होंने कुछ ही देर में डिलीट भी कर दिया हुआ था, आप देख सकते हो, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ था समथिंग कूल कमिंग सून विद द लीजेंड, और उन्होंने एमएस धोनी को मेंशन किया हुआ था। अगली जो न्यूज है वो आ रही है किंग की तरफ से। तो किंग की जो न्यू लाइफ एल्बम है वो फुल रिलीज हो चुकी है स्पॉटिफाई पे, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।